भाई प्रिया को लेकर फर्स्ट टाइम आया हूँ मेले में, तो भाई जो भी मुझसे गलती सकती हुई पति के साथ पहली बार आई हूँ मेला घूमने और अप्रेस हो गया यहाँ पे आके। ओ भाई उधर बहुत ही बहुत। हेलो मैं सही फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग, आई एम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो भाई आपका भाई फाइनली आ चुका है चंडीगढ़ के मेले में। ये क्या कौन सा पूजा जानू? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी इधर देख लो। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम आई हूँ मेला घूमने। फर्स्ट टाइम देखा तो लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। तो भाई मेरा साथ बस यहीं तक का है क्योंकि मेरे पास हेलमेट है। मुझे भाई प्रिया ने फ़ोन किया था छोड़ देना, तो मैं बस छोड़ दूंगा यहाँ से। मेरा प्रिया का ख़त्म, यहाँ से मैं कहीं और जाऊँगा। पहली बार आई हूँ मेला घूमने के लिए। ऐसा क्यों नहीं है? ये लाइट जो है ना बड़ा खराब लग रहा है कसम। तो फ्रेंड्स अभी मिलते हैं, तो थोड़ी देर बाद प्रिया मेला घूमने जाएगी। मुझे थोड़ा कहीं काम है इसलिए भाई मैं कहीं जा नहीं सकता, तो सभी को सॉरी और सभी को बाय बाय। मिलते हैं, मैं मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो भाई फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ के साथ मेला, फुल इंजॉयमेंट। बाय बाय सभी को, लो आज तुम जाओ कर मैं जाता हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स जा रहे हैं, मैं अकेले आगे देख लो। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से। रोड क्रॉस प्री तो सही टाइम पे हो जाता है फ्रेंड, बहुत ही भाई यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लेते हैं फ्रेंड। घूमने तो आ गई, क्या सब मिल रहा है पता नहीं। चलिए फ्रेंड ब्लॉग में बने रहिए फ्रेंड। बहुत दूर तक आ गए, अभी तक लिया नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अकेले में कुछ अच्छा भी नहीं लगता पता ही आप लोगों को फ्रेंड, बहुत बोरिंग सा फील हो रहा है। चलिए अभी ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं क्या होता है। भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा, फर्स्ट टाइम है, देखते हैं। अभी तो घूम ही रही हूँ, अभी तक मैंने कुछ लिया भी नहीं फ्रेंड। डेकोरेशन का सामान वगैरह, घर भी वैसा सुंदर सा होना चाहिए तो अच्छा लगता ना। ऐसे दीवारों में लेके पैसा वेस्ट करना वो खराब ही करने के बराबर होता है। चलिए भी ब्लॉग में बने रहिए फ्रेंड, देखते हैं। इतनी देर बाद फ्रेंड यहाँ से मैंने कपड़े लिए हैं, सूट वगैरह ओनली 10 रुपये। बहुत अच्छा मिल गया, मतलब गरीब बंदे के लिए बहुत सही है फ्रेंड। और काफ़ी प्यारा प्यारा मिल गया सूट है। वैसे आज ही के दिन लगा हुआ है पता नहीं क्योंकि मैं आज के दिन नहीं है, जब मर्जी आना। ये चौड़ी चलते सबसे टॉप फ्लोर पे आ जाना, यहाँ पे हमेशा लगता है। 10 रुपये 20 रुपये यहाँ पे हमेशा मिलता है। वैसे आज क्या बोलते हैं, जन्माष्टमी का मेला लगा हुआ है। चलिए फिर हम ब्लॉग में बने रहिए, अभी लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं फ्रेंड्स आगे देखते हैं। और मेरा बेटा रफरीत भी जग चुका है, तो भैया अभी किधर चले गए। चलिए फिर हम ब्लॉग में बने रहिए, पैसे वगैरह लेते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। तभी से ना फ्रेंड मैं घूम ही रही हूँ। और मेरा बेटा भी तभी उठ गया, इंजॉय कर रहा है ये भी। कुछ ऐसा है नहीं कि जो रफरीत खेल सकेगा, और भी अच्छा तो काफ़ी छोटा है। बैलून इसको पसंद है, बैलून इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि पूरा राउंड राउंड घूम रही है ना, इसलिए इसको बैलून नहीं दे रहा। अभी बैलून दिला मैं अपनी, आज मम्मा ने बेटे ने दोनों ने ब्लू पहने हैं। और कुछ को खेलना आता नहीं है ऐसे। अभी चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। चलो बेटा चलो चलो, सारे लोग झूला खाए झूला। वैसे रफरीत को कृष्ण जी बना के लाए, बट सिचुएशन वैसी नहीं है ना, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लगती है ना इसकी। पर ये देखिए ऐसे
बहुत ही प्यारा लग रहा है। लास्ट टाइम जब यहाँ से निकलने में ही आए, बट आया नहीं, आए तो हम अंदर अकेले ही हैं। चलिए भी देखते हैं फ्रेंड्स, फिर आप फ्रेंड्स आप लोग ये देखिए, बैलून चाहिए बाबू को, बैलून दिलाओ। दी कितने का है बैलून? बैलून कितने का? 10 रुपये दे दो एक, और रेड वाला दे दो। ले ले बाबू, ले ले बैलून, ले 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 ले, ये लो दे। तो ये फ्रेंड्स मंदिर है, और अप्रीत ने बैलून, उदास उदास सा था कि मम्मा ने कुछ दिलाया नहीं, अब खुश हो गया। तो ये है मंदिर, बाकी जगह देख लेते हैं। इधर है ब्यूटीफुल, खुशी का ठिकाना। देखो हे भगवान, क्यों इसको मैंने बैलून दिला दिया? ये तो मेरे एकदम दिमाग को कर दिया। ये देखो लग रहा है पहली बार बैलून देखा है। ये देखिए पड़ा होता है यहाँ पे, तुझे बिठा के घुमाऊंगी फिर कभी। ये देखिए फ्रेंड ब्यूटीफुल, ये बच्चों के लिए होता है। ओए कितनी भीड़ है देखिए। अगले महीने मंदिर से मेला है, मेले के दिन तेरा यार भी वेला है। कितने की स्पीड चला रहे हो? आराम चला लो, वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली हम, मैं अपने घर तो पहुंचने ही वाली हूँ, बट पता है क्या, ये मुझे खाना है लंगर, क्योंकि आज मैंने घर में खाना है। तो जहाँ लंगर मिलता है वहाँ पे छोड़ देना मुझे, ठीक है? अभी हम लंगर खाने जाएंगे फ्रेंड्स। और ये हमारे घर के जाने का रास्ता इतना डेंजर है, माय गॉड। ये अभी फ्रेंड्स फाइनली हम लंगर खाने के लिए आ गए हैं। और क्या है लंगर भी दिखाओ, क्योंकि हम उधर घूमने चले गए थे, वहाँ से आने के बाद रबड़ी तो मुझे। देखिए फ्रेंड्स जलेबियाँ हैं, चावल है। और तो फ्रेंड्स अभी हो चुका है सुबह का टाइम, और रात को काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि हम वहाँ से कीर्तन कहने के बाद मंदिर से मैं बहुत लेट आई थी। तो अभी बज गए हैं 8:20, मैं जस्ट उठी, मुँह वगैरह धुली। मैं उनसे पहले आप लोगों से मैं बातें कर लेती हूँ, उसके बाद नो वे टू, ऐसे नहीं करते, बहुत परेशान करने लगे वो लॉक वगैरह खोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स बताए क्या, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैंने ही रोहन को फ़ोन करके बुलाया था कि मुझे मतलब कि जाना है, घूमने जाना था, मतलब मेला लगा था कृष्ण जी के जो जन्मदिन था, कहना मतलब जन्माष्टमी, जिसमें हर जगह तो मेला वगैरह लगता है कि नहीं लगता, लेकिन बट चंडीगढ़ में ऐसे जहाँ पे मंदिर था ना फ्रेंड, वहाँ पे बहुत अच्छा सा मेला लगा था, जो कि आप लोगों ने आगे ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो हुआ ये कि मैंने सोचा कि अब क्योंकि शाम हो चुकी थी, तो मैं पहले तो पूरे दिन ये सोची कि मैं नहीं जाऊँगी, फिर मैंने सोचा नो बेबी ऐसे नहीं करते, मतलब ड्राइव बोर्ड गिरा रहा है पूरे दिन, तो मैंने सोचा नहीं जाऊंगी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं चली जाती हूँ,
बहुत परेशान कर, तो फिर टाइम काफ़ी हो गया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा पूरे दिन नहीं जाऊँगी, उसके बाद मन किया कि नहीं अब चलो चलते हैं, कह रहा था जाने में, कह रहा था घूमने में। फिर मैंने सोचा अगर मैं ट्राई करती हूँ रोहन को अगर छोड़ दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं जाऊँगी, या तो फिर देखूँगी अगर ऑटो मिल गया, क्योंकि फ्रेंड्स उधर से भी आने में टाइम, जैसे 10-11 इंसान मेला घूमने जाए कहीं भी जाए तो 10-11 बज ही जाता है। तो फिर मैंने रोहन को फ़ोन किया, मैंने कहा कि मुझे जाना है, मतलब जो भी सेक्टर का नाम मैंने बताया इस सेक्टर में जाना है। उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि जाना छोड़ दो चल के, तो बोला ठीक है मैं अभी बाहर ही हूँ, मैं भी काम से जा रहा था थोड़ा, तो मेरा दोस्त भी बोल रहा था जाने के लिए, तो मैं गया नहीं, चलो अब जाओगे तो मेरा दोस्त भी है, मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाऊँगी, तुम्हें मैं वहाँ तक छोड़ दूँगा। तो मुझे वो वहाँ तक मेले तक छोड़ के वो वापस रिटर्न हो गए थे, मतलब कि वापस आ गए जब उनके दोस्त आए, तब वो मतलब अपने दोस्त के साथ हो गए, ना कि मेरे साथ घूमने गए। फिर वापसी टाइम में उसका दोस्त अपने घर चला गया, फिर वो मुझे आप लोगों ने देखा होगा थोड़ी सी क्लिप, मैं खाना खा रही हूँ जो लंगर वगैरह, तो वहाँ छोड़ी, वहाँ पे हो रही थी कीर्तन वाली वीडियोस मैंने बनाई थी, बट इसलिए नहीं डाली क्योंकि कॉपीराइट का कुछ प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि सॉन्ग वगैरह बज रहा था, तो इसलिए मैंने, वैसे मैं बोल भी सकती लेकिन उसमें ये था कि मैंने सोचा छोड़ो, और ज़्यादा मैंने क्लिप बनाई भी नहीं थी, तो कम से कम वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो गई। तो यही सारी चीज़ थी फ्रेंड, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ और आप लोगों को सारी चीज़ें बता देती हूँ फ्रेंड्स, कि मतलब कि देखिए बस यही कहना चाहेंगे फ्रेंड्स कि बोला छोड़ दिए घूमूंगे लिए चले आए, तो बस वही ब्लॉग थी हमारी, और कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना हमें, और देखते हैं क्या होता नहीं होता है। और आज बहुत जल्दी उठ गई हूँ, मतलब लेट सोए जल्दी उठ गए, थोड़ा आँख देखिए जैसा लग रहा, पता नहीं सुबह का मौसम आज थोड़ा ना, आज धूप वगैरह नहीं निकला है, बस नॉर्मल मौसम है, ठंडा है, बट मैं उठ गई, अभी जा रही हूँ बर्तन वगैरह रखा है धो लेती हूँ। ऐसे फ़िलहाल मैं फ्रेंड मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि मैं रात को काम कर लूँ ताकि मुझे सुबह काम ना करना पड़े, बट पता है क्या बच्चे वाले लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है, ना सुबह का सुबह होता है ना शाम का शाम होता है, लोग कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो बस यही सारी प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी थी, बतानी थी फ्रेंड, बस आप लोगों को कैसा लगा ये बताइएगा पूरा। फ्रेंड देखिए मुझे तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं है रहने में, मैं रह ही रही थी आज 4-5 महीने से मैं रह ही रही हूँ, लेकिन बस मैंने सोचा कि बोलती हूँ अगर जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो कोई बात ही नहीं, तो आए छोड़ दिए। और फ्रेंड देखिए आप लोग भी यही चाहते हो कि हम साथ रहें खुश रहें फ्रेंड्स, लेकिन क्या होता नहीं होता कुछ समझ में नहीं आता, कब क्या हो जाओ कुछ पता नहीं लगता है फ्रेंड्स, तो बस थोड़ी टेंशन वाली बात तो होती ही है। अब देखते हैं क्या होगा ना होगा, भगवान के ऊपर है, माता रानी आने बाबू यहाँ पे आ जा, मम्मा के पास आ जा, वहाँ पे बच जा, वहाँ ना जा, आ जा आज, फिर तू तार खींचेगा फ्रेंड्स, आज ही फिर तार खींचेगा, नीचे आ नीचे बैठ के, ये ले पता है इसने तार खींच दी, पूरा धुआं धुआं सा आ गया था तार से, आ रहा है आ गया। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा ल, क्या नाचता है तू, अच्छा अच्छा मम्मा को खूब उठा रहा, पीत पीत के उठा रहा, मुझे पीती कर रहा था, मम्मा उठो मम्मा के उठाता है, पूछी दे ओई इतनी बुद्धि किधर से आई तुझे। लेकिन मैंने अपने बेटे को कुछ नहीं दिलाया फ्रेंड, पता है क्या खिलौने वगैरह तो भाभी भैया ने दिया ही है, जो भी है वो तो ये खेलता नहीं, अगर मैं वहाँ पे मान लीजिए 100-150 का दिला भी दूंगी तो क्या खेलेगा, इसको बैलून पसंद वो दिलाया फूट गया,
गुजरू राम है तो इसको दिला के कोई फायदा नहीं था, पता है फ्रेंड, दिलाया अभी बैलून, आप लोगों ने देखा, अभी नहीं देख रहे हो, ये इसने ना वहाँ पार्क में, क्योंकि मुझे रोन बोला था तो वहाँ पे बैठ जाऊँ तो अंधेरा था, इसलिए मैंने वीडियो वगैरह, आपको पता ही है मेले मूले में लाइटिंग कभी यहाँ पे कभी वहाँ नहीं है, तो जहाँ गाड़ी पार्क होती है वहाँ पे पार्क था, तो जो लोग भी मतलब वहाँ पे बैठे ही थे आंटियाँ लोग, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी यहीं पे बैठ के वेट कर लेती क्योंकि जा रहा है मुझे, तो मैं भी वहाँ बैठी थी, तो ये वहाँ पे शैतानी कर करके खूब सारी रोग आके क्या किया, बैलून फोड़ दिया। जब इसका बैलून वहीं पे खरीदा वहीं पे फूट गया, तो इसी वजह से इसको बैलून नहीं मिला यहाँ पे। गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा है, ये गंदा बच्चा है, इसको कुछ ही नहीं आता। अच्छा चल बाय कर दे, बाय 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 सभी को, लव यू। निन्नू आ रही है, चल मम्मा चाय, अभी जा रहे हैं फ्रेंड चाय बनाएंगे, वैसे टाइम काफ़ी हो गया तो इसलिए मुझे वीडियो एक्सपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी और एडिटिंग भी हो ही रखी, एक्सपोर्टिंग करनी पड़ेगी, फिर अपलोडिंग थोड़ा पहले से करनी क्योंकि नेट प्रॉब्लम काफ़ी होता है ना, मुझे पहले से अपलोडिंग भी लगानी पड़ती है वीडियो, तो अभी चाय बनाएंगे। आज थोड़ा ठंडा मौसम है, ठंडे ठंडे मौसम में चाय पी लेती हूँ, ट्राई करते हैं देखते हैं क्या होता है, अगर पी लिया तो ठीक है। चल चाय चू बना के पी लेते थोड़ा बहुत ना, क्या भूख लग, भूख अभी क्या हुआ देखा, अभी बोल रही हूँ, अरे आ क्या हुआ बाबू, बाबू क्या हुआ, बाहर जाएगा, अच्छा पानी आ रहा है ना फ्रेंड, आज देखिए 8:30 भी बजी है पानी आ रहा, पता है कहाँ जाएगा यशोदा का नंद लाला है मेरे कान्हा जी। चल बाय कर दो सभी को, बाय किसी, फ्लैन किस दे, ओ बुद्धिमान कितो, मम्मा को दे दिया। चलिए फ्रेंड सभी को बाय बाय, लव यू ऑल, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रप्रीत प्रिया 7270, जाके फॉलो कर लीजिएगा, ज़्यादा से प्यार दीजिए और सपोर्ट दीजिए, और कुछ भी चाहिए आप लोगों से यही सब कहना था, प्यार सपोर्ट चाहिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहेंगे, सभी को बाय बाय, लव यू ऑल, और जो हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को अपने फ्रेंडों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। बाय बाय, लव यू ऑल, फिर मिलेंगे, चलते चलते, बाय बाय।